हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं द बैटमैन फिल्म के एक ऑफिशियल कास्टिंग अनाउंसमेंट के बारे में। बल तो क्या है वो डिटेल, चलिए इस पर कुछ डिस्कशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अपडेट डीसी की तरफ से निकल कर आया है वो अपडेट बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैट रीव्स की द बैटमैन फिल्म को लेकर काम बहुत ही जोरों शोरों में चल रहा है और इसी के चलते इस फिल्म की बाकी की कास्टिंग को भी ढूंढा जा रहा है। क्योंकि आप सभी को ये बात पता होगी, द बैटमैन फिल्म में हमें काफी सारे विलन्स देखने मिलने वाले हैं और रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन के वर्जन को फिल्म में इन सभी का सामना करना है। और अगर कुछ रूमर की बात की जाए तो इस रूमर में सबसे पहला नाम निकल कर आता है जॉन हिल का, जिन्हें इस फिल्म में शायद अगर कंफर्मली कास्ट कर लिया गया तो शायद वो इस फिल्म में हमें रेडलर या फिर का रोल करते हुए नजर आ सकते हैं। और दूसरा नाम है जेफरी वॉट्स का, जिन्हें इस फिल्म में कमिश्नर गॉर्डन के रोल के लिए लिया जा रहा है, लेकिन अब तक उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। लेकिन इन सब के अलावा डेफिनेटली हमें फिल्म में बैटमैन का रोल करते हुए नजर आने वाले हैं रॉबर्ट पैटिंसन, जिनकी कंफर्मेशन कर दी गई है। और अब दूसरी कंफर्मेशन की गई है जियो कार्विस की। जी हाँ, अब जियो कार्विस डीसी के इस यूनिवर्स की सेलिना केली है, यानी कैट वुमन। और सच में जब उनकी कास्टिंग की अनाउंसमेंट की गई है तो इस खबर को सुनने के बाद मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि हमने उनकी वॉइस इसके पहले लीग ऑफ द बैटमैन में कैट वुमन की ही सुनी है, जिसमें वो कितनी ज्यादा परफेक्ट थी उस बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत है नहीं। और अब डीसी की तरफ से उन्हें इस रोल के लिए कंफर्म कर दिया गया है, यानी मैट रीव्स की बैटमैन की फिल्म में जोई हमें कैट वुमन के कैरेक्टर का रोल प्ले करती हुई नजर आने वाली है। और कैट वुमन का कैरेक्टर आप सभी को पता है कि वो डीसी के यूनिवर्स में किस तरीके का काम करती है, यानी हम एक हिसाब से उसे कह सकते हैं कि खुद कैट वुमन क्या सोचती है और क्या करना चाहती है वो बात खुद उसे भी नहीं पता। यानी कभी हम देखें तो वो विलन की तरफ हो जाती है, या फिर कभी वो बैटमैन के साथ रहती है, या फिर कभी वो अपने ही अलग मिशन पर एक एंटी विलन बनकर निकल जाती है, जहाँ पर वो लोगों को बस बचाने का ही काम करती है बैटमैन की तरह। बट इस फिल्म में हमें कैट वुमन फिल्म की विलन नजर आएगी या फिर बैटमैन की लव इंटरेस्ट, इस बात की तो अब तक कंफर्मेशन नहीं की गई है, लेकिन हो सकता है कि उनका कैरेक्टर फिल्म में काफी ज्यादा खास हो। आई नो कैट वुमन का रोल अब तक जितनी भी एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है उनमें अगर आप सबसे बेस्ट की बात करो तो डेफिनेटली यहाँ पर नाम निकल कर आएगा मिचेल पेरीफेयर का, और उनसे बेस्ट कैट वुमन के रोल को और किसी भी एक्ट्रेसेस ने आज तक नहीं किया है। लेकिन जोई की वॉइस में वो दम था, जिससे हमें एक बात तो लगती है कि डेफिनेटली वो कैट वुमन का रोल मैट रीव्स की इस द बैटमैन फिल्म में काफी ज्यादा अच्छा करेगी। वेल, तो अब डीसी फैंस को जोई से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी जोई को इस रोल में देखना चाहते भी थे या नहीं। तो आई थिंक बस इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे तो इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वेल, तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।